ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा हथियार था। आज ये वो कीचड़ फेंक के मेरे से मेरा वो हथियार छीनना चाहते हैं। लेकिन मुझे देश के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे केजरीवाल बोल क्यों नहीं रहा, क्या बोलूं मैं, क्या जवाब दूं इन चीजों का, बिना सबूत के बिना किसी चीज के क्या जवाब दूं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, देश के लोगों ने इसका जवाब दिया है। गली गली के अंदर बात हो रही है कि सारे पीछे पड़ गए केजरीवाल के खिलाफ, झूठ बोल रहे हैं। हमारे कट्टर विरोधी बीजेपी वाले भी टीवी में आके कह रहे हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। आज हमारी पार्टी के चंदे के ऊपर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक भरोसा देना चाहता हूं, इस पार्टी, ये पार्टी आपके खून पसीने की कमाई से चलती है। इस देश के लोगों की उम्मीद की, इस देश के लोगों के खून पसीने की पवित्र कमाई से चलती है। इस पार्टी का चंदा बेहद पवित्र है और जब तक मैं इस पार्टी की कमान संभाल